हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 21,391 पदों पर बम्पर भर्ती निकल कर आई हुई है, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं, तो दोस्तों इसका फॉर्म कैसे भरना है, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्म भर कर दिखाएंगे, ताकि आपको फॉर्म भरने में आपसे किसी भी तरह का कोई मिस्टेक ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको 3 स्टेप में फॉर्म को फिल करना है। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 फिल एप्लीकेशन फॉर्म और स्टेप 3 व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। तो दोस्तों, आपको पहले स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का पेज खुल कर आ जाएगा। इसे आपको एक बार पढ़ लेनी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में यह मिल जाएगा। नीचे आएंगे और यहाँ पर घोषणा करेंगे और फिर प्रोसीड रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर कांस्टेबल आएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फिर मिडल है तो लिखेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे, और फिर अपना लास्ट नेम लिखेंगे। ये सारा डिटेल्स आपको अपने 10वीं के मार्कशीट के अनुसार भरना है। इसके बाद नेशनलिटी में इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना चालू मोबाइल नंबर लिख देना है। इसके बाद ईमेल आईडी लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप बिहार के निवासी हैं? अगर हैं तो यस करेंगे और दूसरे स्टेट वाले नो करेंगे। और याद रहे, नो सिलेक्ट करने पर आपका गिनती जनरल कोटा में किया जाएगा। इसके बाद आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, इसमें देखिए सबमिट रेलेवेंट सर्टिफिकेट, जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिखाना होगा। इसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका एज 1 अगस्त 2022 तक काउंट किया जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप बिहार स्टेट के होम गार्ड हैं? अगर हैं तो यस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको होम गार्ड की डिटेल्स देनी आएगी, अगर नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन का पेज खुल जाएगा। इसे एक बार चेक करें। इसके बाद डिक्लेरेशन पर टिक करें और इस कैप्चा को बॉक्स में लिखें, फिर मेक पेमेंट पर क्लिक करें। अगर कोई गलती हुई है तो एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके ठीक करें। हमारा सब कुछ सही है तो मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पेमेंट गेटवे का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और UPI ID से पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, पेमेंट करते ही आपको रजिस्ट्रेशन कंफर्म देखने को मिला जाता है और आपको रजिस्ट्रेशन आईडी भी मिल जाता है। अब यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना पेमेंट रिसीप्ट डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको नीचे आना है और डीसेलरेशन करना है और फिर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको 3 प्रेफरेंस देना है। आपका ऑप्शंस हैं, पहला जिला पुलिस, दूसरा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और तीसरा अन्य इकाइयाँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग 3 प्रेफरेंस देंगे। जिनको आप पहले रखना चाहते हैं उसे रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आपको अपना फादर नेम लिखना है, फिर मदर नेम लिखना है। इसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर देना है। ये ऑप्शनल है, देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है कि आपके बॉडी में क्या पहचान है, जैसे कटा का निशान, तिल वगैरह। इसके बाद अगर आप फ्रीडम फाइटर के वर्ड्स हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करना है। पहले 10वीं किस बोर्ड से पास आउट हैं, उस बोर्ड के नाम लिखेंगे, फिर सर्टिफिकेट या मार्कशीट का नंबर। इसके बाद सर्टिफिकेट या मार्कशीट का इश्यू डेट
इसके बाद फिर इंटरमीडिएट के बोर्ड का नाम, फिर सर्टिफिकेट या मार्कशीट का नंबर, इसके बाद सर्टिफिकेट या मार्कशीट का इशू डेट, इसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये ऑप्शनल हैं, इसे छोड़ देना है। इसके बाद नीचे आना है एड्रेस डिटेल्स में, यहाँ पर पहले परमानेंट एड्रेस को फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है। इसके बाद पूछ रहा है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो यस पर टिक कर दीजिए, सेम कॉपी हो जाएगा। अगर दोनों सेम नहीं है तो नो पर टिक करके फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस के बारे में पूछ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सभी को नो पर टिक कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट में ऑप्शन मिल जाता है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का, तो दोस्तों फोटो का साइज 70 किलोबाइट से कम रखना है और 2 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करके फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इंग्लिश का सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर हिंदी का सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर का साइज 25 किलोबाइट से कम रखना है। तो दोस्तों ये सभी फिल करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करने के बाद प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन का पेज खुल कर आएगा, यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स को चेक कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो आप एडिट डिटेल्स पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो डिक्लेरेशन पर टिक करें और कैप्चा कोड को भरेंगे और फिर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे, अगेन ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपका फॉर्म प्रोविजनली सबमिटेड दिखा देगा और यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 का फॉर्म भर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।